नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा झाइया जो हो जाती है चेहरे पर, उसको हम घर पर ही कैसे दूर करें। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 5 रुपये आपको खर्च करने हैं। 5 रुपये में आपको क्या लेना है वो मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ सबसे पहले एक फिटकरी का टुकड़ा। ये 5 से 10 रुपए में मिल जाता है अपने पंसारी की दुकान में, ठीक है? तो इसको हम बारीक कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको इसमें बारीक कर लिया है। तो ये मैंने छान लिया है छन्नी से, देखिए, ठीक है। तो अब हम इसको एक जगह एक कंटेनर में इसको भर के रख देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इतना अभी इसका यूज़ नहीं है। मुझे इसका आधा चम्मच इसको लेना है। तो सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ खाली बाउल, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चम्मच। एक चम्मच से कम ही है, बिल्कुल जितनी चाहिए उतनी लीजिए आप, है ना। तो फिटकरी के फ़ायदे मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा फिटकरी के फ़ायदे हैं। फिटकरी के क्या है, फिटकरी अगर आप यूज़ करते हो ना, तो इससे अनचाहे जो आपके चेहरे के जो बाल है वो भी रिमूव हो जाते हैं, और स्किन जो है वो टाइट होती है, मुहासे कम होते हैं, त्वचा में निखार आता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं फिटकरी के, है ना। तो हमने यहाँ पर ले ली है एक चम्मच फिटकरी, और दूसरा मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन आपको पता है, ग्लिसरीन त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, अंदर से हाइड्रेशन को बढ़ावा देता है। तो ये हमको उतना ही लेना है जितना हमने की फिटकरी ली है, है ना। और स्किन को टोनिंग में मदद करता है, और एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर है, और हमारे चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना, उसको भी ये हटाता है, है ना। तो अब हम इसमें तीसरी चीज़ मिलाने वाले हैं, हनी, ठीक है। जो हम शहद लेने वाले हैं, शहद आपको पता है कि एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है शहद, और आपके जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो है उसको दूर करता है। और सबसे मेन बात तो यह है कि इसमें जो ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन और अपना ड्राई स्किन दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ शहद, जितना हमने ग्लिसरीन और फिटकरी ली है उतनी क्वांटिटी में हमको यहाँ पर लेना है शहद भी, ठीक है। इसके बाद हमको लेना है फ्रेंड्स हल्दी। तो हल्दी अब आप पूछोगे कौन सी ले, है ना। अगर आपके पास कस्तूरी नहीं है ना हल्दी, तो आप किचन वाली भी हल्दी ले सकते हो। देखो, ये जो हल्दी है ना, हल्दी क्या है, जो डार्कनेस को भी कम करती है। अगर जैसे किसी की त्वचा थोड़ी सी कलर उनका थोड़ा सा डाउन है ना, तो ये उसको थोड़ा सा फेयर करती है ना हल्दी, और नेचुरल ग्लो लाती है एक तो चेहरे पर। और हल्दी के एक और बहुत फ़ायदा है कि जो स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, उसको भी रिपेयर करती है। वो देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा हो गया, ये देखिए, हमको पतला ही चाहिए, है ना। इसमें हम हल्दी एक पिंच और मिला देते हैं थोड़ी सी, ये मैं किचन वाली हल्दी ले रही हूँ, है ना। तो ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, और अब हमको इसमें एक चीज़ और मिलानी है, ये देखिए, ठीक है। अब हमको इसमें क्या मिलाना है, हमको मिलाना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल जो है ना, वो रूखी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। अभी तो ये मौसम में तो सभी की त्वचा जो है रूखी हो रही है ना, ठंडियों की वजह से, और मॉइस्चराइज करता है। और पहली बात क्या है, काले घेरे जो होते हैं ना, उनको भी दूर करता है। तो मैं यहाँ पर इतना ही एलोवेरा जेल ले रही हूँ। स्किन को क्या है, अंदर से ठंडक पहुँचाता है ये, है ना। और जो बढ़ती उम्र जो होती है ना, बढ़ती उम्र के जो साइन होते हैं, जैसे कि रिंकल्स, है ना, उनके जो बढ़ती उम्र के जो संकेत है ना, उनको कम करता है। देखिए, अब ये हमारा लिक्विड फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है हमको इसको। और अब इसको लगाना कैसे है, ठीक है, सबसे मेन है लगाना। मैं आपको बताती हूँ उसको अपने चेहरे पर अप्लाई कैसे करना है। तो आज हम
हमको सबसे पहले लेना है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा दही, अपने हाथों पे ही ले रही हूँ दही, ठीक है। और इसमें मैं मिलाती हूँ थोड़ा सा कच्चा दूध, ठीक है। ये मैंने मिलाया कच्चा दूध, और अब मैं इसको हथेलियों पर मिक्स कर लेती हूँ और अपने चेहरे पर अप्लाई करती हूँ। ये हमारे चेहरे की धूल मिट्टी गंदगी को साफ कर लेगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। हमको दही से ना 5 मिनट तक के अपने चेहरे की इसी तरह मसाज करनी है, ठीक है, आगे पीछे सारी तरफ अच्छे से। जहाँ पर भी आपको लगता ना जहाँ पे बहुत कालापन है वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिए। आप इसको रोज़ रात को सोने से पहले कीजिए, रोज़ रात को नहीं, मतलब हफ्ते में एक दिन आपको ये रेमेडी यूज़ करनी है जो मैंने हमने अभी बनाया है फिटकरी का, उसको। दही और दूध वाला तो आप रोज़ ही कर सकते हो चेहरे की गंदगी को निकालने के लिए, जो डेड सेल्स है ना उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है पूरा अच्छी तरह से, 5 मिनट हो गए हैं इसको साफ करते हुए, ठीक है। तो अब मैं इसको कॉटन से निकाल लेती हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने कॉटन बॉल लिया, ये देखिए गंदगी निकल रही है, चेहरा लगता है साफ लेकिन आप देखोगे ना इतनी गंदगी रहती है हमारे चेहरे पर। ये देखिए, पूरा अच्छी तरह निकाल लीजिए। ये देखिए जी, देखिए अच्छे से, ठीक है। तो अब हमारा ये चेहरा पूरा साफ हो गया है, तो अब हमको ये रेमेडी लगाना है ना। तो कैसे लगाएंगे आप वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए ये लिक्विड फॉर्म में हो गया है बिल्कुल, ठीक है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे अपने चेहरे पे, देखिए ये कॉटन बॉल लेना है साफ वाला, और इसको इसके अंदर डिप करना है, ठीक है, और इसको लगाना है ऐसे। इसको अपने पूरे चेहरे पर इसी तरह लगा लेना है। यहाँ डार्क सर्कल है यहाँ पे भी लगाइए, ये आपके चेहरे के सारे पिंपल्स के दाग धब्बे झाइया सबको दूर करके आपके चेहरे पे एक अलग सा निखार लेके आएगा, ये पता है। स्किन को टाइट बनाएगा, आपके जो छोटे छोटे रिंकल्स है जो आपको एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, एजिंग के जो साइन है ये उनको सबको दूर करेगा। आप देखते होंगे पहले के जो लोग हैं अभी भी, यानी कि जो लोग घर पे शेविंग करते हैं वो अपने शेविंग के किट में फिटकरी रखते ही है, ठीक है, और सलून में भी लोग रखते हैं क्योंकि ये कटे फटे पे हमेशा काम आती है। तो ये मैंने लगा लिया है, इसको अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया है ना। अब हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए सूखने देना है, कम से कम आधा घंटा भी आप रख सकते हैं, है ना। आप इसको लगा लीजिए और अपने घर के काम करते रहिए, तो ये अपने चेहरे पर काम करेगा और आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो ये मैंने लगा लिया है, ठीक है, खत्म पूरा, ठीक है। अब ये सूखने तक हम, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आपको जब ये इसको वॉश आउट करेंगे ना आप, तो आपको साबुन नहीं लगाना है और ना ही कोई फेस वॉश लगाना है, क्योंकि क्या होगा कि इसको लगाने के बाद मैं आपको एक क्रीम बताऊंगी, क्रीम बताऊंगी मतलब नेचुरल है, कोई कॉस्मेटिक वाली क्रीम नहीं है।
तो उसको लगाकर आपको अपने चेहरे पर रात भर रखना है, यानी कि सो जाना है। आप ये अगर शाम के समय करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप इसको अगर आप रात को सोओगे जैसे, तो आपको कुछ चेहरा वगैरह वॉश नहीं करना पड़ेगा, है ना। और अगर सुबह लगाते हो, मान लो आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, फेस वॉश या साबुन से चेहरा धो लोगे, जो कि हमको इसको लगाने के बाद नहीं धोना है, ठीक है। तो इसको लगाने के बाद मैं आपको एक बता रही हूँ क्या लगाना है हमको। तो आपको ये हफ्ते में एक बार यूज़ करना ही है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाई है तो आप 3 दिन में एक बार करिए, और जब कम हो जाए तो फिर हफ्ते में एक बार करिए, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे, आपको ये ज़रूर ट्राई करके मेरे को इसके रिज़ल्ट बताना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ लगाते रहती हूँ, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपने बहुत दिनों से स्क्रब नहीं किया है, तब आप इसको स्क्रब करते हुए चेहरा अपना धो सकते हो, हल्के हाथों से, ये उंगलियों से। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है, तब आपको इसको रगड़ते हुए नहीं निकालना है, स्क्रब करते हुए नहीं निकालना है, ठीक है। क्योंकि इसको हम फिटकरी को कितना बारीक भी क्यों ना पीस ले, फिर भी ये दरदरी होती ही है, है ना। ये बहुत अच्छा स्क्रब का भी काम करती है। अगर आपको आपके चेहरे पर पिंपल्स है, तो आप बिल्कुल भी स्क्रब आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको इसको सादे पानी से या गीले कपड़े से इसको वॉश कर लेना है। तो मुझे तो पिंपल्स है नहीं, और लेकिन मुझे स्क्रब की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर पानी लिया है मैंने, हल्का कुनकुना पानी है ये बिल्कुल, और एक गीले कपड़े से मैं इसको साफ कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, देख सकते हैं आप चेहरा, देखिए बहुत साफ हो गया है। इससे क्या होता है, चेहरे की जो झाइयाँ वगैरह है ना, जो डेड स्किन है, जो आपके चेहरे पर जो बहुत जो ऊपर की जो लेयर है ना, ये इसको पूरा साफ कर देता है, देखिए, ठीक है, पूरा साफ हो गया चेहरा, बहुत ग्लो कर रहा है। तो मैं अभी यहीं पे पूरा चेहरा साफ कर लेती हूँ गीले कपड़े से अच्छी तरह, जहाँ जहाँ ये लगा है वहाँ से मैं ये निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो इसको आप वॉश बेसिन में जाके पूरा चेहरा अच्छी तरह धो लीजिए, है ना। उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ हमको कौन सी ऐसी क्रीम है जो हमको इसको चेहरे पर लगानी है, जिससे ये चेहरा एकदम सॉफ्ट रहेगा, फिटकरी लगाने के बाद भी हमारा चेहरा बिल्कुल ड्राई नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इसको पूरा अच्छी तरह यहीं पे साफ कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ हमको लेना है ये एलोवेरा जेल है। ये मेरा एलोवेरा जेल जो है वो केसर और चंदन का है, ठीक है। अगर आपके पास सादा वाला है, जैसे ये वाला, ठीक है, एलोवेरा कौन सा अपना पतंजलि का है सादा वाला, अगर ये है तो ये भी चलेगा, लेकिन मैं ये ले रही हूँ। तो हमको इसको ले लेना है अपने हथेली पर, थोड़ा सा जितना आपको चाहिए, है ना। दूसरी हमको इसमें क्या चीज़ मिलानी है, हमको यहाँ पर मिलाना है बादाम तेल, रोगन बादाम शिरीन ऑयल है। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, यानी कि आपकी जो बढ़ती उम्र है ना, ये उसको वहीं पर रोक कर रखता है। तो इसको मैं ले रही हूँ बिल्कुल 1 से 2 बूंद, ठीक है, बस। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अपने हथेली पर इसी तरह अच्छी तरह, और ये बिल्कुल एकदम इसका क्रीमी स्ट्रक्चर बन गया है, और अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद, बहुत ही ज़्यादा एकदम सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि फिटकरी लगाने के बाद ना स्क्रीन में थोड़ी सी हल्की सी ड्राइनेस आ जाती है, इसीलिए उसको लगा लीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो इतनी सी भी अगर यूज़फुल लगी हो ना,
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।